नमस्कार। हमारी आज की कहानी आपसी प्रेम। ये पारिवारिक कहानी हमें बताएगी आपसी प्रेम क्या होता है। एक सुनार से लक्ष्मी जी रूठ गई और जाते वक्त बोली, मैं जा रही हूँ और मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तैयार हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट जरूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। सुनार बहुत समझदार था, उसने विनती की कि नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद सुनार की सबसे छोटी बहू खिचड़ी बना रही थी, उसने नमक आदि डाला। नवनीत और अन्य काम मिल करने लगी। उसके दूसरे लड़के कि बहू आई, उसने भी बिना चखे नमक डाला और चली गई। इसी प्रकार तीसरी चौथी बहुएं आई, नमक डालकर चली गई। उनकी सास ने भी ऐसा ही किया। शाम को सबसे पहले सुनार आया, पहला निवाला मुंह में लिया, देखा बहुत ज्यादा नमक है, लेकिन वह समझ गया कि नुकसान यानी हानि आ चुका है। चुपचाप खिचड़ी खाई और चला गया। इसके बाद बड़े बेटे का नंबर आया, पहला निवाला मुंह में लिया और पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? कहा, उन्होंने बताया, हाँ खा लिया, कुछ नहीं बोले। अब लड़के ने सोचा, जब पिताजी ने ही कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए और पहले वालों के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले गए। रात को नुकसान यानी हानि हाथ जोड़कर सुनार से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सुनार ने पूछा, क्यों? तब नुकसान यानी हानि कहता है, आप लोग एक किलो नमक तो खा गए, लेकिन बिल्कुल भी झगड़ा नहीं हुआ, मेरा यहाँ कोई काम नहीं। झगड़ा कमजोरी हानि और नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी का वास है। सदा प्रेम बांटते रहें, छोटे बड़े की कदर करें। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे, चाहे आपकी कमाई उसकी कमाई से बड़ी क्यों न हो। तो देखा दोस्तों, ये कहानी है एक परिवार के आपसी प्रेम की। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरी कहानी मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।